जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, में हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये भंडारी पुल पर एक होर्डिंग लगी है और ये रातों रात होर्डिंग लगी है। होर्डिंग में सबसे पहले चेहरा हम बता दें सोनिया गांधी का, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पड़ा हरीश रावत, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला और कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी, साथ में है डॉक्टर राजकुमार वेरका, साथ में सुनील दत्ती और इंद्रवीर सिंह बुलारिया, और बगल में नवजोत कौर सिद्धू की बड़ी सी फोटो लगी है, नवजोत सिंह सिद्धू की। और ये लगवाई है जतिंदर सिंह मोती भाटिया, काउंसलर वार्ड नंबर 28। तो इन्होंने लिखा है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी नू पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाउन ते समुची कांग्रेस हाई कमांड का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या सिद्धू प्रधान बन गए, या इन्हें इन्फॉर्मेशन लीक हो गई? क्योंकि हमें जहां तक जानकारी है, आज अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में आज वहां पर क्या है बैठक है, और बैठक में ये तय होगा कि सिद्धू को प्रधानगी दी जाए या नहीं। कल की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर ढोल धमाके भी पहुँचे थे और ढोल भी बजे थे। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में सिद्धू के प्रधान बनने के और हार पहनाए जाने के ये तमाम वीडियो आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सिद्धू प्रधान बन गए या नहीं? अगर प्रधान बन गए तो ये जानकारी केवल जतिंदर सिंह मोती भाटिया, काउंसलर नंबर वार्ड नंबर 28 के पास ही है क्या? बड़ा सवाल। हम लोगों से भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर ये सिद्धू प्रधान बने या नहीं। ट्रैफिक ज़्यादा है और हम इस समय खड़े हैं भंडारी पुल पर खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप, और भी यहाँ पर बोर्ड लगे हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। हम आपको बताते हैं कि सिद्धू के प्रधान बनाए जाने के यहाँ पर बोर्ड लग गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, कल नाराज़गी जाहिर की है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, और कुल मिला के सिद्धू प्रधान बने या ना बने इसका निर्णय हाईकमान को करना है। लेकिन अमृतसर के काउंसलर मोती भाटिया ने होर्डिंग लगाकर बहुत बहुत धन्यवाद भी कर दिया है, और ये दूसरी होर्डिंग भी उन्हीं की है। आप देख सकते हैं ये वार्ड नंबर 28 की होर्डिंग है। एक मिनट रुकिए सर, बनेंगे अभी बने तो नहीं ये होर्डिंग में क्या लिखा है? सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी पंजाब का प्रधान, अभी तो निर्णय आना बाकी है। अगर होल्डिंग लग गया तो इसका मतलब निर्णय पक्का है उनका। ये बातें लीक हाईकमान से इन्हीं के पास हुए हैं, ये काउंसिल जो होल्डिंग लगाया है पे कल बनाए जाने की खबरें थी, बाद में झूठी साबित हुई, तो कहीं ना कहीं ये भटक गए। नहीं नहीं सर, भटकने वाली बात नहीं है। देखो अगर कोई भी फैसला था वो हाई कमांड ही लेती है सर। तो ये हाई कमांड थोड़ी है, काउंसलर है, बाकी लोगों को जानकारी नहीं है क्या प्रधान बनाए जाने के सिद्धू के? सर अगर होर्डिंग लगे, आप देखो उधर, अगर होर्डिंग लगे तो इसका मतलब कि बिल्कुल सही बात है, होर्डिंग लगा है। होर्डिंग अगर लगा कर आप कुछ भी बताना चाहे तो वो सच ही होता है, क्योंकि सच की ही होर्डिंग लगती है। तो हो सकता है ये खबरें सच हो, हम आपको दिखाते हैं और चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, नवजोत सिंह सिद्धू अगर प्रधान बन गए हैं तो ये जानकारी जतिंदर सिंह मोती भाटिया को हो। और हम आपको बताएं, ये रोड जाता है, एलिवेटेड रोड है, और इसी रोड के नीचे एक होटल बन रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदारों का होटल है क्या है, वहाँ पे सील लगाई थी नगर निगम ने, और लेकिन होटल बन गया, ये खुलासा भी लाइव भारत ने किया था। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहने वाले मोती भाटिया की हम बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू जी पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनाउनते, तो बगल में ही आम आदमी पार्टी का भी पोस्टर लगा है। कहीं ना कहीं 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त आते 24 घंटे बिजली हर घर हर महीने। तो आप देख सकते हैं ये होर्डिंग लगा है। अब सवाल ये है कि सिद्धू प्रधान बनने की ये जानकारी जतिंदर सिंह मोती भाटिया कौंसल वार्ड नंबर 28 को लगी ही होगी, तभी तो यहाँ पर होर्डिंग लगा है। होर्डिंग बनाने में होर्डिंग तमाम वक्त लगता है, लेकिन हो सकता है उधर भी होर्डिंग लगे हैं, एलिवेटेड रोड पे ही होर्डिंग लगे हैं, तो सिद्धू प्रधान बन गए हैं ये बात इन्होंने होर्डिंग लगा कर बता दी है। फिलहाल हो सकता है खबर कहीं लीक हो गई, इस बारे में और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहे लाइव भारत में। तो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू MP लिखा है,
नीचे श्वेत मलिक इंजीनियर श्वेत मलिक मेयर हैं और श्री अनिल जोशी एमएलए। तो हम बता दें अनिल जोशी को पार्टी से निकाले जाने के बाद अब उनकी राजनीति दूसरी है। बात श्वेत मलिक की बात करें तो इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, काउंसलर का लड़ा था, हार गए थे, उसके बाद में राज्यसभा के मेंबर बन गए और नवजोत सिंह सिद्धू एमपी थे, उसके बाद में फिर इन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देश दुनिया के चर्चाओं में है सिद्धू, कांग्रेस के चर्चाओं में है सिद्धू, तो ये हाल गेट है और हाल गेट की घड़ी फिर खराब हो गई है, हाल गेट की घड़ी फिर खराब हो गई है। चलिए घड़ी खराब है, वो घड़ी कब आएगी जब ये घड़ी ठीक होगी ये अलग बात है, लेकिन देख सकते ये हाल गेट है, हाल गेट से अंदर श्री हरमंदिर साहब जाने का रास्ता है, श्री हरमंदिर साहब जाने का ये रास्ता है। और कहीं ना कहीं हम गांव की बात कर लें तो गांव से कहीं ना कहीं हमारे जो रिक्शा चालक है पिंडगढ़ा जी तोटा अच्छा सिद्धू तो कैप्टन बारे कुछ जानते हो, सिद्धू कौन नहीं नहीं सिद्धू ना सुने कभी, सिद्धू का कैप्टन का सिद्धू कैप्टन का नाम ही नहीं सुने। चलिए तो सिद्धू कैप्टन का नाम ही नहीं सुना है फिलहाल, हम आगे की बात करते हैं यहाँ पे सिद्धू की। तो देख सकते हैं आप कि कोरोना के संकट काल के बाद अब थोड़ी थोड़ी रौनक लौटने लगी है, तो यहाँ पर स्टॉल है और अखबारों के स्टॉल है और चर्चाओं में रहते हैं यही अखबारें। आज की हम बात करें तो इन अखबारों की आज जो हेडिंग है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे ही लीड करती है अखबारों में, ये पंजाब केसरी है, जो डर रहे हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाए राहुल गांधी। इसी तरह जागरण ने हेडलाइन भी अपनी ली है, अलग अलग अखबारों में हम न्यू कहें तो सिद्धू और कैप्टन ही छाए हैं। और अखबार की दुनिया से निकले तो अखबार लिखने वालों के लिए हमारे साथ यहाँ पर हैं और समाज सेवी संस्था से जुड़े भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू पठान बन गए कांग्रेस की या अभी नहीं। अभी तो देखो जी इन्होंने प्रधानगी का लेटर का इशू किया है, लेकिन उसके बारे में अभी अखबारों में यही आ रहा है, इसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया, अभी फाइनल नहीं हो पाया। अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी यही आ रही है कि इनका जखड़ का और सिद्धू का आपस में तालमेल हो गया है, इनकी जख्ड़ी भी डल गई है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, अभी सस्पेंस में ही है। तो सरकार को चाहिए, कैप्टन साहब को भी ये क्लियर करना चाहिए कि आम लोगों की जो है दौड़ है। नहीं नहीं, जो लेटर की बात कर रहे हो सोशल मीडिया पर जो कल खबर आई थी सिद्धू के ज्वाइनिंग की, वो खबर फेक निकली, वो खबर गलत निकली, वो खबर कि पठान, क्योंकि कल सिद्धू के कोठे में गए थे बैंड बाजे के साथ गए थे, लेकिन बाद में उनको वापस आना पड़ा। तो अभी तक अभी क्योंकि सोनिया गांधी के दरबार से खबर लीक हो गई है, क्या जतिंदर सिंह भाटिया मोती भाटिया ने बैन वहाँ पे होर्डिंग लगा दी है कि सिद्धू प्रधान बनने पर उन्होंने वहाँ पे होर्डिंग लगाई है, तो उनको कैसे पता चल गया कि सिद्धू प्रधान बन गए। तो ये भी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है अभी उसको क्लियर नहीं हो सका इस बात का, अभी क्लियर होगा तो पता चलेगा। तो जब तक क्लियर ना हो तब तक होर्डिंग लगाना सही है क्या? वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे होर्डिंग लगाना चाहिए, सस्पेंस अच्छा। आप अखबारों का अध्ययन करते हैं, सोसाइटी से जुड़े हैं, बताइएगा कि उनके आने से जैसे दिनेश बस्सी का उन्होंने विरोध किया था सिद्धू ने, और करमजीत सिंह रिंटू का विरोध किया था, और उनके इलाके में ये दोनों काम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिद्धू के आने से कैप्टन की जो अमृतसर में लॉबी है टिकट के बंटवारे में पक्षपात होगा? बिल्कुल होगा जी, इसके बारे में यही जो विचार आता इसमें पक्षपात नहीं होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी में अगर उनको पठान नहीं बनाया जाता, कैप्टन भी चल जाती है, तो आम आदमी पार्टी में सिद्धू जा सकते हैं? इसके बारे में देखो, ये तो सिद्धू जाने जहाँ वो चले। अच्छा, आम आदमी पार्टी में अगर चला भी जाए तो क्या आपको लगता है सरकार बन जाएगी सिद्धू अगर सीएम हो जाए आम आदमी पार्टी के, मान लो सियासत कहती है? ना ना ना, मेरी राय से तो यही है सिद्धू को कांग्रेस में ही जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, सिद्धू का क्रेज कम हुआ या नहीं, सही से बताइएगा? कम हुआ क्यों नहीं हुआ, सिद्धू का क्रेज कम हुआ है और हम आपको बताएं और बताने में गुरेज नहीं करेंगे कि हाल बाजार को जाते हुए रास्ते पे आज ये बिल्कुल अभी अभी का हाल है, लाइव तस्वीरें हैं, और कोरोना के संकट काल के बाद अब फिर बाजार धीरे धीरे चल पड़ा है और सियासत नज़दीक आ गई है तो होर्डिंग लगेंगे,
लेकिन ये होर्डिंग पहले लग गए, जल्दबाजी में लग गए, क्या इनके पास पुख्ता सबूत है? ये तो मोदी भाटिया ही डाले, क्योंकि उन्होंने होर्डिंग लगाया है और होर्डिंग में लिखा है कि सिद्धू के पत्थर बनाने पर। तो ये सिद्धू के पत्थर बनाने पर तो ये होर्डिंग जो लगे हैं ये स्पेशल खबर है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी भाटिया को कैसे पता चला कि सिद्धू पत्थर बनाए जा गए हैं? अगर सोशल मीडिया की खबर को उन्होंने होर्डिंग बना दिया तो ये बड़ी खबर है। तो आइए, आप देख रहे थे लाइव भारतीय स्पेशल खबर, देखते रहे लाइव भारतीय। जय जवान, जय हिंद सर। लाइव भारत से बोल रहा हूँ, मोती भाटिया जी से बात हो रही है। मोती भाटिया जी, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस कमेटी का प्रधान बना दिया गया पंजाब का? देखो ऑफिशियली आज अनाउंसमेंट आज हो जाएगा। नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पहले आप कैसे एक पार्षद हैं और आप होर्डिंग लगवा देते हैं? तो ये अगर आपके पास कंफर्मेशन है कोई? ऐसा था शुक्ला जी कि कल हमारे पास जो कंफर्मेशन आई थी ना, तो एक लेटर कोई आ गई, कोई वो लेटर शायद देख निकली बाद में। तो सर आपके होर्डिंग तो असली है, आपके होर्डिंग देख के सब बधाइयां दे रहे हैं एक दूसरे को, और अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता आपने आपने पर एक तो या सोनिया गांधी से आपके सीधे कनेक्शन होंगे सर, क्योंकि वहीं से खबर लीक होगी, तो मैं तो समझता हूँ कि सोनिया दरबार से कनेक्शन लीक हुआ और आप तक पहुँच गया। एक्चुअली तो सारे पंजाब में, हाँ पंजाब की बात, क्योंकि मैंने अमृतसर में आपका देखा, तो अमृतसर की बात करूँ और जतेंद्र भाटिया को पता चल गया, कांग्रेस कमेटी के आला अधिकारी MLA मंत्री तक को पता नहीं चला और आपने होर्डिंग लगवा दिया और उसमें सभी MLA और MP के आपने फोटो लगवा दिया, आपने गुमराह कर दिया एक होर्डिंग लगा के जनता को सर। कल तक एक लेटर आई सर, कल की बात है, आज आपके पास क्या है सब? आज आपके पास क्या कन्फर्मेशन है? आप होर्डिंग लगाने का मतलब पता है क्या आपको, कि मैं जो कह रहा हूँ सच है? होर्डिंग का मतलब जनता जाने, जनता के लिए आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, कंफर्मेशन लेटर हो आप लगाइए, आप गुमराह मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोग सोचते हैं मोती भाटिया के सीधे लिंक हैं सिद्धू से, या सीधे होंगे सोनिया गांधी के दरबार से, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला मोती भाटिया वार्ड नंबर काउंसलर हैं, इतनी उनकी पहुंच है और पहुंच होगी ही, क्योंकि चर्चाओं में रहते हैं आप सर, आपकी पहुंच होगी ही। फिलहाल जब तक कंफर्मेशन ना हो लोगों को गुमराह मत कीजिए, और नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनते तो हमारी तरफ से उनको बधाई और आपको भी बधाई। जय जय भारत। थैंक यू।